मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के 2 लाख रुपए तक के लोन पर ब्याज माफ करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है। कैबिनेट के इस फैसले से राज्य के 11 लाख किसानों को फायदा होगा। सीएम शिवराज सिंह ने राज्य के सहकारी समितियों से 2 लाख रुपए तक का लोन नहीं ले चुकाने वाले डिफॉल्टर किसानों का ब्याज माफ करने का ऐलान किया है, जिसको लेकर आज ऋण माफी के पत्र जारी किए गए, जिसमें काला पीपल के खोकर कला सोसाइटी के किसानों को जिनका ऋण पर ब्याज माफ किया है उन्हें प्रमाण पत्र भेंट किए गए। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घनश्याम चंद्रवंशी द्वारा हितग्राहियों को प्रमाण पत्र भेंट किए गए। उन्होंने कहा, बीजेपी किसानों के हक में है, कांग्रेस ने किसानों को दिन में तारे दिखाती है, किसानों को कितना दर्द दिया है, कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के शासन को देखना चाहिए, कमलनाथ ने किसानों को डिफॉल्टर जैसा कलंक दिया और बीजेपी ने उसे धोया, किसान जनरेटर और डीजल में बर्बाद था, आज खेत खेत बिजली पहुंच गई है, रोड पहुंच गए हैं, अब खेत खेत पानी पहुंचाने की योजना है हमारी। खोकर कला मुख्य शाखा के अंतर्गत आने वाले 900 से अधिक किसानों का 1,58,00,000 का ऋण माफ होने जा रहा है। योजना है सरकार के प्रकार से किसानों के जो ऋण माफ किए गए हैं, जो ऋण था उसके ब्याज माफ किया गया है, और कांग्रेस के समय में जिन किसानों को डिफॉल्टर घोषित कर दिया था, डिफॉल्टर ऐसा शब्द है कि जो कहीं ना कहीं कलंक के रूप में किसानों को लग रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन किसानों के ऋण का ब्याज माफ किया है और खोकरा कला सोसाइटी के अंतर्गत लगभग 11 लाख से ऊपर का ऋण माफ किया गया है, और इसकी जो मुख्य शाखा है इसके अंतर्गत आने वाली सोसाइटियों के 1,58,00,000 का ऋण माफ किया गया है, और इससे किसानों को लाभ होगा और लगभग 104 सदस्य तो खोकरा के हैं और 215 सदस्य सभी सोसाइटियों के हैं, तो किसानों को इससे लाभ प्राप्त होने वाला है। किसान हितैषी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही इस प्रकार के निर्णय ले सकती है, और हम सभी किसानों को शुभकामनाएं देते हैं कि उनके ऋण माफ हुए और वो कहीं न कहीं उनके परिवार के लिए उनके आर्थिक सहयोग उनको प्राप्त हो रहा है, ही इस प्रकार के निर्णय ले सकती है, और हम सभी किसानों को शुभकामनाएं देते हैं कि उनके ऋण माफ हुए और वो कहीं न कहीं उनके परिवार के लिए उनके आर्थिक सहयोग उनको प्राप्त हो रहा है। शाहजहांपुर से मुकेश अहिरवार की रिपोर्ट।